वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल आज हम करने जा रहे हैं क्लास एट्थ के इंग्लिश का सैंपल पेपर नंबर वन जो कि हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाली है आपके फाइनल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसके अलावा हम लोगों ने पंजाब बोर्ड ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया है 23-24 सेशन के लिए वो भी हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है तो आप क्लास एट्थ के फाइनल एग्जाम्स वाले प्ले लिस्ट पे जाइए वहां पर आपको जो है वो सारे ही सैंपल पेपर जो है वो सॉल्व अवेलेबल है ठीक है तो सीधा जो है वो हम सीधा प्रैक्टिस पेपर जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे जो है वो टाइमिंग जो है वो हमें कितनी दी गई है थ्री आवर्स की दी गई है और पेपर हमारा एट्टी मार्क्स का है पैसेज दिया गया है सबसे पहले उस पैसेज को पढ़कर आपने एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है उसके आंसर जो है वो बताने हैं एक एक नंबर के पांच क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं ठीक है तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डज अ पोस्टेज स्टैम्प ऑन अ लेटर शो तो पोस्टेज स्टैम्प जो है वो क्या शो करता है दैट अ टैक्स और फी हैज बीन पेड या आप कह सकते हो कि अमाउंट जो है वो ऑलरेडी पे किया गया है स्टैम्प कलेक्टिंग इज अ पॉपुलर हॉबी तो स्टैंप कलेक्टिंग जो है वो पॉपुलर हॉबी है इन मोस्ट ऑफ प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड या आप कह सकते हो इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ठीक है नेक्स्ट है स्टैंप कलेक्शन स्टार्टेड डैश ऑफ द इंट्रोडक्शन स्टैंप पोस्टेल स्टैंप के कितने टाइम बाद जो है वो स्टैंप कलेक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ था विद इन ट्वेंटी ईयर्स ठीक है सी ऑप्शन करेक्ट है इसके बाद है वन हु कलेक्ट स्टैंप इज कॉल्ड अ तो वो पर्सन जो कि स्टैंप कलेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं ठीक है तो फिलाटिलिस्ट जो है वो इसका आंसर हो जाएगा इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द द सिनोनिम सिनोनिम ऑफ वर्ड वर्ड रेयर रेयर तो rare word का synonym क्या है इसका मतलब है लिमिटेड इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पोस्टर पोस्टर जो है उसको ध्यान से पढ़ना है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है उसके आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है क्वेश्चन है व्हाट इज इज नॉट नॉट व्हिच द बेनिफिट ऑफ रीडिंग बुक इसमें से बुक तो रीडिंग करने से कौन सा फायदा नहीं होगा तो हमारा कंसंट्रेशन जो है वो भंग नहीं होता इससे ठीक है नेक्स्ट है व्हाट इज ग्रेट और एंड फ्री दैट इज प्रोवाइडेड बाय बुक तो ग्रेट और फ्री जो है वो क्या है एंटरटेनमेंट है ठीक है तो ए ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट है हाउ कैन बुक स्टूमुलेट फर्दर रिफ्लेक्शन तो बुक जो है वो किस तरीके से फर्दर रिफ्लेक्शन को जो है आगे बढ़ाता है बाय क्वेश्चन अब बुक इज लाइक इन दुक जो है वो एक गार्डन की तरह इन द पॉकेट ये बेसिकली है ठीक है इसके बाद जो है इन द पॉकेट हो गया इसके बाद बुक्स इंट्रोड्यूस अस टू द अनरिव्यूल्ड तो बुक जो है वो हमें अनरिव्यूल्ड फैंटेसी वर्ल्ड के बारे में इंट्रोड्यूस करता है ठीक है इसके बाद जो है वो आपको डायलॉग्स दिए गए हैं डायलॉग्स को ध्यान से पढ़कर जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं एमसीक्यू बेस्ड उसके आंसर करने हैं एक एक नंबर के पांच क्वेश्चन है वाई इज निहारिका इन ट्रबल निहारिका जो है वो परेशानी में क्यों है बिकॉज समवन हैज स्टोलन हर बैग ठीक पे करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है हर फादर इंक्वायर्स इफ शी हैड कॉल्ड द तो उसके पिताजी ने पूछा कि क्या उसने जो है वो क्या किया है शी हैड कॉल्ड द पुलिस ठीक है क्या पुलिस को जो है वो फोन किया है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द थिंग्स दैट निहारिका हैज लॉस्ट तो निहारिका ने क्या क्या चीजें खो दी है कीज एंड मनी ठीक है तो सी ऑप्शन करेक्ट है इसके बाद है व्हाई इज हर फादर नॉट एबल टू गो ओवर देयर उसके पिताजी वहां पर क्यों नहीं जा सकते बिकॉज ही हैज टू डिलीवर अ प्रेजेंटेशन ठीक है तो प्रेजेंटेशन जो है उन्होंने ऑफिस में देना है नेक्स्ट है हु इज गोइंग टू हेल्प निहारिका निहारिका की हेल्प जो है वो कौन करने वाला है तो उसके पिताजी ने बोला है कि अपनी मदर को फोन करो ठीक है तो आपकी वो हेल्प करें तो हर मदर ठीक है नेक्स्ट आ जाता है है सेक्शन बी लिटरेचर पार्ट किसी तीन क्वेश्चन के आपने आंसर करने हैं दो दो नंबर के ये क्वेश्चन है सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द क्रूअल अनाउंसमेंट मेड बाय द बायटिक लीडर्स तो जो डेस्पोटिक लीडर्स है उन्होंने क्या क्रूर अनाउंसमेंट जो है वो किया था कि उन्होंने किया था कि इट वॉज टू पुट ऑल द एज इन द प्रोविंस टू डेथ तो जो भी उस इलाके में जो है बेसिकली जो है बुजुर्ग है उन सबको जो है वो मतलब कि मौत के घाट उतार दिया जाए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है सेंट रविदास से पूछा गया है ये व्हाट वर द मेन पॉइंट्स ऑफ सेंट रविदास टीचिंग तो संत रविदास जी की जो शिक्षाएं हैं उनके मेन पॉइंट्स क्या क्या है कि भगवान की नजरों में नजरों में सभी बराबर है द डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट कलर एंड क्रीड्स आर मीनिंगलेस कि जो भेदभाव जाति धर्म के आधार पर या रंग के आधार पर किया जाता है उसका कोई अर्थ नहीं है और जो छुआछूत है वो इंसानियत के खिलाफ एक बुराई है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द ओल्ड सेज एंड ब्रदर से लिया गया है व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी आप इस स्टोरी से जो है वो क्या जो है वो सीखते हैं दैट वन मस्ट कीप प्रॉमिस कि एक इंसान को अपना प्रॉमिस जो है वो पूरा करना चाहिए और ये हमारा कर्तव्य है कि हम गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करें ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द शॉप ओनर एग्री टू गिव द पपी फॉर फ्री चार्ज फॉर लव से ये क्वेश्चन है कि जो मालिक था दुकान का वो पपी को फ्री में देने को क्यों राजी हो जाता है क्योंकि तो वो इस चीज को जो है वो मानता था या इस चीज से सहमत था कि प्यार की कोई कीमत नहीं होती ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है काउंसिल सीमा एंड भव्या के पुलिस ने जो है वो सीमा और भव्या की काउंसिलिंग किस तरीके से की थी तो दे एडवाइज गो फॉर ड्राइविंग दे आर तो पुलिस ने उन्हें एडवाइस किया था कि जब तक वो के नहीं हो जाते तब तक वो ड्राइविंग पे ना जाए वरना कोई सीरियस एक्सीडेंट जो है वो हो सकता है ठीक है और माइनर जो है अगर वो ड्राइविंग करे तो ये इलीगल भी होता है इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपने किसी चार सेंटेंस को हिंदी या पंजाबी में आपने उसके मीनिंग बताने हैं तो सर्विलियंस का मतलब होता है निगरानी इसके बाद है कैरावन जिसका मतलब है काफिला नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर या मौका कंपेनियन यानी कि साथी ब्रूटल यानी कि क्रूर एनॉइड यानी कि नाराज और बारबरस यानी कि बर्बर ठीक है इसके बाद आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स एक एक नंबर के फिलअप है ये श्री गुरु अर्जन देव वाज़ फिफ्थ गुरु ठीक नेक्स्ट है होली सिटी ऑफ Jerusalem. ठीक है यहाँ पर लिख देते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर in. वॉज रिलीज Polo जो है वो वो से कब जो है वो छूटे थे 1299. ठीक है इसके बाद जो है नेक्स्ट है मेक सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स तो आपने यहाँ पर जो है वो सेंटेंस बनाना है मेलोडियस से जो है वो बना सकते हो ठीक है तो मेलोडियस से क्या बना सकते हो आप the wind chimes the wind chimes tinkled a happy yes melodious, melodious song outside my window to तो wind chimes jo lagate hain dur jo hai wo aa rahi hai theek hai outside my window iske baad next hai familiar theek hai to Mohan is familiar. टू मी मैं Mohan को जानता हूँ ठीक है Mohan is फेमिलियर टू मी नेक्स्ट जो आप सेंटेंस बना सकते हो सेट अबाउट से तो सेट अबाउट जो है इसका मतलब क्या होता है शुरू करना ठीक है तो यहां पर जो है वो आप इससे क्या बना सकते हो विद रंबलिंग टर्मीज विद रंबलिंग टर्मीज सेट अबाउट वि सेट अबाउट मेकिंग डिलीशियस अ डिलीशियस बैच ऑफ कुकीज ठीक है डिलीशियस बैच ऑफ कुकीज तो रंबलिंग टमी के साथ मतलब पेड़ से जो आवाज आती है ना ठीक है तो उसके साथ जब उन्होंने कुकीज के बैच बनाने जो है वो शुरू किए इसके बाद नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस तो कॉन्फिडेंस की आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन यू ठीक है तो यहाँ पे आप सेंटेंस बनाओगे आई हैव फुल कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस इन यू ठीक है कि मुझे आप पे पूरा भरोसा है इसके बाद जो है वो आप बना सकते हो सेंटेंस एबॉलिश से ठीक है तो एबोलिश से आप क्या सेंटेंस बना सकते हो एक्टिविस्ट आर कैंपेनिंग कैंपेनिंग टू एबॉलिश टू एबॉलिश पोवर्टी इन देयर रीजन इन देयर रीजन ठीक है तो यहां पे जो है वो एक्टिविस्ट जो है वो कैंपेनिंग कर रहे हैं ताकि उनके एरिया से गरीबी जो है वो हटाई जा सके ठीक है इसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो हमें दिया गया है वो है एक्साइटेड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर फेयरवेल पार्टी ठीक है फेयरवेल पार्टी नेक्स्ट सरमन यानी कि उपदेश ठीक है तो सम चर्चेस सम चर्चेस ऑफर सेरेमस ऑफर सेरेम कुछ चर्चेस जो है वो उपदेश देते हैं ठीक है ऑनलाइन ऑनलाइन उपदेश देते हैं नेक्स्ट जो है वो आपको क्या है स्टेंजा दिया गया है स्टेंजा को रीड कर दो क्वेश्चन के आंसर करने हैं दो दो नंबर के ये क्वेश्चन है ठीक है नेम द पोएम एंड इट्स पोएट तो पोएम और पोएट का नाम बताना है तो पोएम जो है उसका क्या नाम है यहाँ पर वी हु पोएम का नाम है वी हु ठीक है और पोएट जो है पोएट का नाम क्या है तो पोएट का नाम है रस्किन बॉन्ड रस्किन बॉन्ड ठीक है इसके बाद है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज टाइमलेस टाइमलेस स्टेल से आप क्या समझते हैं तो इसका मतलब होता है अनटच्ड बाय टाइम मतलब जिसे अभी तक टाइम ने नहीं छुआ है ठीक है अनटच्ड बाय टाइम ठीक है तो यहां पर लिख देते हैं अनटच्ड बाय टाइम दे आर एज फ्रेश टूडे एज देवर इगो तो ये आज भी उतने ही फ्रेश है जितने की मतलब की कई साल पहले थे नेक्स्ट हाउ डज द पोएट फील वेन ही पेजेस ऑफ इज बुक्स तो पोएट को कैसा फील होता है जब वो बुक्स के पेजेस को टच करता है तो यहां पर लिखते हैं आंसर इसका द पोएट लव फॉर देयर ओल्ड रेफरें रेफरेंस ठीक है इसका मतलब कवि का जो अपनी पुरानी रचनाओं के प्रति प्रेम था ठीक है तो वो बेसिकली जो है वो यहाँ पर जो है वो उसको दिखता है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट है किसी दो क्वेश्चन के आंसर आपने करने हैं दो दो नंबर के ये क्वेश्चन है हाउ डू दीज ग्रेट सन सर्व देयर मदरलैंड तो ये जो बहादुर जो बेटे हैं ठीक है थीके? महान बेटे हैं वो अपनी मातृभूमि की सेवा किस तरीके से करते हैं तो इसका आंसर है दे गार्ड द बॉर्डर्स दे गार्ड द बॉर्डर ऑफ देअर मदरलैंड ऑफ देयर मदरलैंड डे एंड नाइट तो वो दिन रात जो है बॉर्डर पे जो है, वो रक्षा करते हैं ठीक है डे एंड नाइट नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ बुक्स बुक्स की क्या कंडीशन है तो so, बुक्स की कंडीशन क्या है दे आर ओल्ड एंड वर्ल्ड दे आर ओल्ड एंड वर्ल्ड ठीक है पुराने हैं फटे हुए हैं देअर बाइंडिंग इज टॉल और उसकी जो बाइंड

पार्ट ऑफ दे वॉटर का पार्ट बन जाते हैं एंड समटाइम्स ठीक है समटाइम्स इट इज कॉट इन ट्रीज और बहुत बार जो है वो क्या होता है कि ये पेड़ों में फंस जाते हैं ठीक है इसके बाद आ जाता है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन वोकैबलरी है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है ठीक है अ मैन हू ड नॉट नो हाउ टू रीड और राइट तो वो इंसान जिसको नहीं पता कि किस तरीके से पढ़ा या लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है इलिटरेट इलिटरेट ठीक है गिव द दिनियम ऑफ लार्ज तो सिनोनियम क्या होता है सेम वर्ड कह सकते हो ठीक है तो बिग हो जाएगा लार्ज के लिए और वास्ट वर्ड भी यूज कर सकते हो ह्यूज भी कर सकते हो absent का एंटोनियम एंटोनियम होता है ऑपोजिट तो absent का एंटोनियम क्या हो जाएगा प्रेजेंट इसके बाद जो है वो प्रिफिक्स या सफिक्स वर्ड जो है वो पेड पे लगाना है हमने ठीक है तो जो है वो प्रिफिक्स लगाएंगे यहाँ पर प्रिफिक्स होता है वर्ड के पहले लगता है तो यहाँ पे क्या लग जाता है बन, बना सकते हैं हम प्रीपेड और दूसरा जो है वो हम क्या बना सकते हैं यहाँ पर अनपेड ठीक है प्रीपेड हो गया और दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा अनपेड इसके बाद है राइट द द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड तो लुक डाउन का जो है वो आपने मीनिंग बताना है तो इसका मतलब होता है कंसिडर्ड लोअर ठीक है कंसीडर्ड लोअर ठीक है तो इसका जो है वो बेसिकली मतलब जो है वो क्या हुआ है यहाँ पर कि नीचा समझना या महत्वहीन समझना ठीक है इसके बाद है टर्न ओवर अ न्यू लीफ का आपने सेंटेंस बनाना है तो यहाँ पे सेंटेंस जो है वो क्या हो जाएगा ही हैज नॉट बीन ही हैज नॉट बीन इन ट्रबल ही हैज नॉट बीन इन ट्रबल दिस ईयर दिस ईयर ठीक है शी प्रमिसेस टू टर्न शी प्रोमिस over a new leaf new leaf if we give her if we give her one more chance one more chance take care तो बेसिकली ही हैज नॉट बीन इन ट्रबल दिस ईयर वो इस साल जो है वो मुसीबत में नहीं फंसेगी उसने प्रॉमिस किया है कि वो एक न्यू चैप्टर जो है वो बेसिकली स्टार्ट करेगी ठीक है अगर हम उसे एक मौका देते हैं इसके बाद जो है वो डू एज डायरेक्टेड है एक एक नंबर के बारह क्वेश्चन तो है तो इज जो है वो पहले आ जाएगा ठीक है इज ही क्लेवर नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड बिलोंग टू तो जो वर्ड अंडरलाइन किया गया है वो किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग क्या है विंडो फॉर अट ठीक है इसके बाद हेल्पिंग वर्ब को अंडरलाइन करना है और मेन वर्ब को सर्कल करना है ठीक है तो ये हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद जो ईटिंग है ये हमारा मेन वर्ब है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे यहाँ पर पूछा गया है वो है स्टेट तो ये जो है वो ट्रांजिटिव है ठीक है अब क्यों है क्योंकि जब हम क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ पर व्हाट डिड ही पुल तो आंसर आएगा द डोर ऑब्जेक्ट आएगा ठीक है तो जिस वजह से ये ट्रांजिटिव है इसके बाद अगला क्वेश्चन है राइट कंपेर डिग्री ऑफ द वर्ड ब्राइट ठीक है ब्राइट का कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बताना है तो कंपेरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा ब्राइटर ठीक है और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा ठीक है Next है नेक्स्ट मेक नाउन ऑफ द गिवन वर्ड इनफॉर्म का नाउन बनाना है तो क्या हो जाएगा इंफॉर्मेशन फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट नॉन फाइनाइट फॉर्म्स तो नॉन फाइनाइट फॉर्म्स जो है वो यूज करना है इट इज इजी टू मेक ठीक है इट इज इजी टू मेक मिस्टेक नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें है कि सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स फ्रॉम द ब्रैकेट टू फिर ब्लैक्स फिलिंदा ब्लैंक्स ब्रैकेट में आपको ऑप्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग फिल करना है द दॉलेस्ट ऑफ दीज बॉयज ठीक है यहाँ पे क्या जाएगा लिव्स इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट टेंस आई डू नॉट बिलोंग टू दिल्ली ठीक है ज तो करना है तो क्या बन जाएगा काइट्स आर फ्लोन बाय अस ठीक है इसके बाद है एंग्री वर्ड जो है इसको एडवोव बनाना है ठीक है तो ये क्या बन जाएगा एंग्रीली नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है लेटर राइटिंग का छह नंबर का है ये ठीक है आपने एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल को जिसमें कि आप उनसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मांग रहे हो आपने उसका रीजन बताना है ठीक है आप स्कूल कब छोड़ोगे वो बताना है और आपने जो है वो कहाँ पे आप एडमिशन लेने वाले हो ये तीनों चीजें जो है वो बतानी है ठीक है तो सबसे पहले द प्रिंसिपल फिर स्कूल का नाम नहीं मैंशन है तो हमने एबीसी हाई स्कूल लिख दिया लुधियाना फिर सब्जेक्ट डालोगे सब्जेक्ट हमेशा अंडरलाइन होगा ठीक है ट रिस्पेक्टेड सर विद योर की स्टूडेंट हूँ मेरे पिताजी का ट्रांसफर अमृतसर हो गया है तो हम नेक्स्ट वीक अमृतर मूव कर रहे हैं ठीक है मैंने एडमिशन जो है वो एक्स वाई जेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लेना है जो कि अमृतसर में है तो कृपया करके मुझे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दे दें सो दैट आई कैन टेक एडमिशन दे ताकि so मैं वहां पे एडमिशन ले सकूं आपका आज्ञाकारी राजवीर सिंह क्लास एथ ठीक है या तो नेक्स्ट लेटर लिखना है सपोज सपोज यू आर करो कि आप मंजूर हो ठीक है आपका अपने जो है वो लेटर लिखना है अंकल को रिक्वेस्ट करते हुए कि आप जो है वो बाइसिकल जो है अपने बर्थडे पर चाहते हैं ठीक है तो सबसे पहले जो एड्रेस दिया गया था वो एड्रेस हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया उसके बाद डेट डाली डियर अंकल Thank you very much for your letter. आपके लेटर के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। You have asked me about the gift I wanted on my birthday. आपने मुझसे वो गिफ्ट के बारे में पूछा है जो कि मैं आप मुझे दे मतलब कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे दे मेरे बर्थडे पे। I was overjoyed to receive your letter as it shows your love for me. मैं बहुत ज्यादा खुश हुई आपका लेटर के, क्योंकि ये चीज जो है वो दिखा रहा है कि आप मुझे कितना प्यार करते हो। इस बर्थडे पर मुझे आपसे साइकिल चाहिए।

और माई बाइसिकल तो ये जो है वो बेसिकली ये जो गिफ्ट है वो मेरे लिए यूजफुल होगा क्योंकि मैं साइकिल पे स्कूल भी जा सकूंगी थैंक यू वंस अगेन दोबारा से आपका शुक्रिया अदा योर्स लविंगली मंजूर ठीक है इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको पैराग्राफ लिखना है स्कूल लाइब्रेरी पर या फिर शॉर्ट स्टोरी जो है वो लिखना है मनी लेंडर एंड इस पर्स पर ठीक है चार नंबर का ये क्वेश्चन है अगर मैं सारा रीड करूंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा ठीक है अब स्कूल लाइब्रेरी पर यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है इसके अलावा द मनी लेंडर एंड हिज पर्स जो है उसकी स्टोरी जो है वो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दी है ठीक है नेक्स्ट आ जाता है नोटिस राइट फॉर द स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ योर स्कूल आप अपने स्कूल के स्पोर्ट्स कैप्टन है ठीक है और आप जो है वो स्पोर्ट्स डे नेक्स्ट वीक जो है ठीक है ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं तो नोटिस लिखना है स्टूडेंट को कि राइट ए नोटिस फॉर स्टूडेंट्स टू बी पुट अप ऑन द नोटिस बोर्ड टू इन्फॉर्म देम अबाउट द डेट तो आप बेसिकली स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि कब कहाँ पर ठीक है और कौन सी डेट को जो है वो ये स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज होगा फिफ्टी वर्ड्स में ये आपने लिखना है वो आप स्कूल का नाम लिख दोगे ठीक है नोटिस लिख दिया जिस डेट को आप लिखोगे वो डेट जो है वो यहाँ पे डालती ठीक है तो हम जो है वो 2024 कर देते हैं यहां पे तो 2024 फरवरी 29 2024 को लिखा है एनुअल स्पोर्ट्स डे द एनुअल स्पोर्ट्स डे ऑफ द स्कूल इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन फिफ्थ एंड सिक्स मार्च फिफ्थ और सिक्स मार्च को ये होने वाला है जो भी स्टूडेंट जो है वो मतलब पार्टिसिपेट करना चाहते हैं किसी भी इवेंट में वो अंडरसाइंड यानी कि अक्षय खन्ना को जो है वो अपना नाम थोड़ा ठीक है और जो लिस्ट है इसकी वो सेकंड मार्च तक स्पोर्ट्स रूम में लग जाएगी ठीक है अक्षय खन्ना स्पोर्ट्स कैप्टन इसके बाद अगला क्वेश्चन है ट्रांसलेट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पंजाबी और हिंदी तो हिंदी तो या पंजाबी किसी एक में आपने इन दो सेंटेंस को जो है वो ट्रांसलेट करना है सुधा प्लेड अ गेम तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सुधा ने एक खेल खेला ठीक है इसके बाद नेक्स्ट है वाई आर यू मेकिंग अ अस यानी कि तुम शोर क्यों मचा रहे हो वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल कड़ी मेहनत करो ऐसा ना हो कि तुम असफल हो जाओ ठीक है इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपने किसी दो सेंटेंस को जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है मेरी सहेली ने मेरी मदद की तो क्या बना सकते हो हेल्प्ड मी ठीक है इसके बाद नेक्स्ट है आप पुस्तक कब पढ़ रहे थे तो वेन वर वेन वर यू रीडिंग द बुक आप बुक कब पढ़ रहे थे ठीक है इसका शाबाश आपने बहुत बढ़िया किया तो क्या हो जाएगा वेल डन यू डिड यू डिड अ ग्रेट जॉब ठीक है क्वेश्चन वार्क नहीं आएगा फुल स्टॉप आएगा ठीक है यू डिड अ ग्रेट जॉब इसके बाद बच्चों पेपर जो है वो आपने बहुत ही साफ सुथरा अच्छी हैंडराइटिंग में करना है क्योंकि इसके आपको फाइव मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे ठीक है कटिंग जो है वो कम से कम करने की कोशिश करना और जो मतलब कि जहाँ पे एप्लीकेशन में आपने सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है इन सब चीजों का जो है छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है आपने ठीक है तो ये वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए आपको रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स बाय बाय